गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री हरिदास। सुबह के 6 बजने वाले हैं, आई थिंक अभी 6 बजे भी नहीं है, 15 मिनट बाकी है। तो चलो, कल का वीडियो ज्वेलरी का आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं है, मैंने व्यूज़ वगैरह देखे नहीं, आप लोगों ने देखे या नहीं देखे। तो चलो, आज मैं आप लोगों को कुछ और वीडियो दिखाती हूँ, कुछ और शेयर करती हूँ। लाइव चलते हैं नहाने और आप सबको भी ले चलती हूँ। तो मैं तो उठ गई हूँ और साथ के साथ रेडी भी हो गई हूँ, कुर्ती भी मैंने यही पहन लिया है और फिर देखते हैं चेंज वगैरह करना होगा। निशू अभी सो रहा है घोड़े बेच के, बाकी सब उठ गए हैं, मैं सबसे पहले उठ गई थी। और सबसे पहले मेरी आदत है, मेरी नींद हर हाल में खुल जाती है, तो इसलिए ब्लॉग मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया कि मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को ये छोटा सा ना ये वाला वीडियो भी शेयर करते हैं। चलो मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में, बाय बाय। तो मैं 5 बजे उठ गई थी और नहा धो के घर पे रेडी भी हो गई थी और हम जा रहे हैं वजीराबाद, यमुना जी दिल्ली का। और जो लोग दिल्ली से हैं उनको पता है कि यमुना जी वजीराबाद में है और बहुत यहाँ पे मान्यता है नहाने की और यहाँ पे भोले बाबा की पूजा होती है। तो बहुत दिन से सुबह 5 बजे उठ के मैं अपना झूला झक्कर उठा के पहुँच गई नहाने के लिए और नहा के बहुत ज़्यादा मन को शांति से मिली। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सफाई का इशू है, पता नहीं क्यों यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गंदगी करके रखते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते। और थोड़ा सा ना ध्यान देना चाहिए यहाँ की जो भी है, यहाँ के जो मैनेजमेंट वगैरह जो देखते हैं, और क्योंकि इतने ज़्यादा यमुना जी को गंदा करके रखते हैं ना, पता नहीं क्यों। और गंगा, जमुना, सरस्वती, यही मैंने सुना है, तो ये शायद हस्बैंड बताते हैं जमुना जी हैं और यही पानी शायद बहुत सारे जगह पे यमुना जी गई हुई है। तो बस सुबह सुबह निकल पड़े और अब प्रसाद लेने के लिए हस्बैंड गए हैं, तो हम वेट कर रहे हैं कि प्रसाद लेकर आए तो फिर जाए। कुर्ती मैंने ढीली ढाली पहनी थी ताकि वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि चेंजिंग रूम भी नहीं है, कपड़े अगर आप नहा लेते हो तो सिर्फ एक ऐसा फट्टा सा लगा हुआ है कपड़े बदलने के लिए, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है लेडीज़ के लिए कि कपड़े कहाँ चेंज करें। जो बड़े एज की लेडीजें हैं वो तो ऐसे ही पहन लेती हैं, उनके लिए तो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है जितना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती है। तो मैं नहा के तो आ गई थी लेकिन मुझे चेंज करने में, कपड़े में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, बस एक टीना सा लगा रखा था। तो बस जाके फिर मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए और पजामी पहनी थी, नीचे मैंने घर का लोअर जो होता है वो पहना था, ऊपर से कुर्ती डाल ली थी ताकि कम्फर्टेबल रहे। तो यहाँ पे हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं नहा चुकी हूँ यमुना जी में और दोनों नहा रहे हैं। ये देखिए, ये है हमारी यमुना जी मैं मजाक कर रही हूँ, और जय हो यमुना जी की। सुबह सुबह दर्शन हो गए और अच्छे से नहावन हो गया, अभी वो लोग वहाँ पे नहा रहे हैं, निशु और उसके पापा। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए नहा के, चलो करते हैं पूजा, फिर मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर में, बाय। तो बहुत दिन से हस्बैंड बोल रहे थे कि बाबा के यहाँ जाना है, बाबा के यहाँ जाना है, तो फाइनली आज मैं तैयारी हो गई। और ये प्रोग्राम भी रात को अचानक से बना, कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं था, रात को ही गाड़ी बुक हुई और मैं अपना झोला झक्कर उठा के पहुँच गई यमुना जी बाबा जी के यहाँ नहाने और दर्शन करने के लिए। और यहाँ की गाइस बहुत मान्यता है, और जब यहाँ पे सीजन होता है ना तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती, वो भी मैंने एक टाइम पे वीडियो क्लिप बनाई है छोटी मोटी। मैं पहले अपने फैमिली के साथ ही आती थी यहाँ पे, और उस समय जब यहाँ पे नहावन चलता है ना तब यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग होते हैं ना कि सच में पैर रखने की ज़रूरत नहीं होती नहाने के बाद। तो हम बाबा के धाम के लिए निकल पड़े हैं और ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है। और यहाँ पर देखिए कितने सुंदर ये बत्तख लग रहे थे, और यहाँ पे बाल ओपन करके ही जाते हैं, जैसा हस्बैंड ने बोला मैंने वैसे ही कर लिया। तो और इतने टाइम से आ रही हूँ इतना तो अब मेरे को पता चल गया है कि क्या क्या चीज़ें होती है। और उसके बाद जो लोग दिल्ली से हैं, जो लोग बाबा को मानते हैं, पूजा करते हैं, तो उनको पता ही होगा यहाँ के बारे में, यहाँ के मान्यता के बारे में। तो बस अब वहीं पर जा रहे हैं, मुझे तो देखो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जितना होता है मैं बता भी देती हूँ, और उसके बाद सब चीज़ें हस्बैंड को ही पता है, वही सारी चीज़ें करते हैं। तो 18-20 साल से जो है
जो हस्बैंड की फैमिली ने बाबा ले रखा है, तो पूजा पाठ वगैरह होती है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ना ही बात करूंगी, क्योंकि देखो गाइज मुझे सच में नहीं पता, तो फिर मैं क्या ही बात करूं। और बस बाबा के धाम पे आ गए, अब हस्बैंड अपना पूजा पाठ करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद हम सुबह तो चाय वगैरह पी के नहीं निकले थे, तो बस यहाँ पे एक एक कप चाय पियेंगे। और यहाँ की जो ब्रेड पकौड़े हैं ना, वो बड़े टेस्टी हैं, बस ब्रेड पकौड़े खाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। देख रहे हैं कितनी ज़्यादा लोगों ने बुरा हालत कर रखा है, तो ये धाम है और यहाँ पे बस पूजा पाठ होगी, उसके बाद हम घर के लिए निकल पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम नॉर्मल डेज़ में आए हैं, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारे लोग नहा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, बहुत सारे लोग, मतलब यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल डेज में जाओगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई, मतलब आपको दूर दूर से लोग आए हुए मिल जाते हैं। तो उसके बाद बस यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है और फिर और क्या क्या बोलूँ, बस वीडियो देखो, एंजॉय करो, वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दिया करो गाइस, ताकि मेरे आने वाले हर 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 वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए। तो यहाँ पे इतनी मक्खियाँ थी ना, कुछ मक्खियाँ तो मेरे जो ये शरारा है ना, उसके अंदर घुसे जा रही थी, मैं तो परेशान हो गई, हे भगवान, मतलब 3 4 मक्खियाँ तो एकदम से शरारे के अंदर पैर के पास घुस गई। और निशु तो बेचारा मेरा परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसको कीड़े मकोड़े मक्खियाँ देख के ना वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो बस चलिए पूजा पाठ कर ले रहे हैं हस्बैंड और उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। और चाय पी लो, गाड़ी चाय पी हमारी लो, फिर कोल्ड बुक ड्रिंक थी क्यों? पहले से ही, कि ऐसा नहीं है कि हमने ओला वगैरह बुक किया हाँ था, फ्रूटी ऐसा ले कुछ लो नहीं था, गाड़ी जो बुक लेना हो थी। लेना। तो अब इस वाले यहाँ पे दुकान पे होगा शायद फ्रूटी। मेरे हस्बैंड चाय पियेंगे, टैक्सी वाले भैया को भी हम मत चाय और पियो, ब्रेड खिलाएंगे, और बच्चों को चाय नहीं पीना था, मना कर रहे थे, तो हस्बैंड चिढ़ा रहे थे कि बहुत टेस्टी ब्रेड पकौड़ा है, तो फिर बच्चों का भी मन कर गया खाने का, सच में बहुत टेस्टी ब्रेड पकौड़ा था, मैं क्या ही बोलूँ। तो चलो मिलती हूँ आप सभी से घर पहुँच के, आई होप सो कि तो मेरा आपने आज का ये छोटा देखिए सा वीडियो गर्मी आप लोगों देखिए, को वहाँ पे पसंद कितना आएगा। हो रहा है, पसीना पसीना, मैं तो लाल हो गई, पीली हो गई, हरी फिर हो भी पौधे खरीद ले। अभी गई। और क्या, पौधे को देख के मैं पागल हो जाती हूँ, मेरा मैं दिमाग काम चाहता नहीं हूँ रुक जा, करता, कह रही हूँ तू खड़ी रहे, बौखला जाती ये रियलिटी है। जिसको जिस चीज से प्यार होता है ना, वो उसको देख के बौखला पौधे देखे जाता। सच में बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चली जाती है। और क्या, अभी तक मेरे घर में जितने भी पौधे लगे हैं, खरीदे हुए एक भी तो लगे नहीं। अरे थी कहाँ? अरिका पाम खरीद के लगाया, सारे पौधे खरीद खरीद के लगा लिए, लेकिन एक भी लगा नहीं है। जो तोड़ के लाते हैं लगाते हैं, वो लग जाते हैं। हाँ भाई चले, इससे इससे पहले मुंह पोछो दुपट्टे से मेरे, पोछो, चिपको मत, गर्मी हो रही। मैं कहाँ चिपक रही हूँ, अच्छे से पोछो। हाँ गर्मी तो सब अभी चल रहा है ना, इसे क्या हेलो फैमिली, गुड आफ्टरनून। तो दोपहर के ना 2:30 बज रहे हैं, सब जो है 10 बजे घर हम वापस भी आ गए थे, और सब एक एक कप चाय पी के ऐसा सोए ना, घोड़े बेच बेच के सबकी हालत खराब हो गई थी। सिर्फ जाना था और आना था, लेकिन सबकी हालत खराब हो गई सबेरे सबेरे। और मैं तो पूरे 10 11 बजे सोना स्टार्ट किया चाय पी के, एक कप चाय पिया है, सबने एक एक कप चाय पिया है और एक ब्रेड खाया है, 11 12 1 2 2.5, पूरे 4.5 घंटे मैंने अपनी नींद कंप्लीट करी है, खूब जी भर के सोई हूँ। और मुझे नहीं पता, सब मेरे सामने तो सब लेटे हुए थे, सब कौन कौन सोया कौन कौन नहीं, मैं और मेरी बेटी तो मतलब सो गए थे। और अभी सब बच्चों को भूख लग रही है, तो मैंने मंगाया है खाना, मंगाया बाहर से ही, क्योंकि बिल्कुल कुछ बना नहीं है घर पे, सब आके थक के, जाहिर सी बात है कहीं अगर आप सवेरे सवेरे चले जाओ तो शरीर जो है ना बहुत ज़्यादा थक जाता है वापसी में, तो भूख लग रही है। मैंने हस्बैंड को बोला जल्दी से जाके कुछ लेकर आओ, तो वो लेने के लिए गए हैं, तो देखती हूँ क्या लेकर आते हैं। वैसे तो मुझे पता है इस समय 2 ही 3 ऑप्शन होते हैं, या तो खाना, या तो फिर छोले भटूरे मिलते हैं यहाँ पे, या फिर जो है आपका
कुछ साउथ इंडियन खाना ही मिलेगा। तो ये 3-4 ऑप्शन है, तो देखती हूँ क्या लेकर आते हैं। चलो मैं मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में, कुछ कर लूँ मैं थोड़ी सी काम वगैरह। बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही, चक्कर आ रहे हैं मुझे भूख से, तो सब बिना खाए सो गए। उस समय तो किसी को भी होश नहीं था कि खाना भी खाना है या नहीं खाना, सबको बस नींद आ रही थी। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। गुड इवनिंग राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? और अभी देखिए, जो भी हमने खाना पीना खाया था ना, सब बर्तन मैंने धो दिए हैं और इसमें थोड़ा सा सांभर बचा है। और यहाँ मैं अपने और लड्डू गोपाल के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि और किसी को नहीं पीनी है चाय, शाम हो गया है। और अब मैं इस वीडियो का एंड भी करने वाली हूँ। थोड़ी देर में मैं जो है बाहर जाने वाली हूँ एक ज़रूरी काम से, तो मेरा वो ज़रूरी काम रह गया है, उसके बाद आऊँगी। तो ये बेड सही करना है पूरे घर में, रात को मैं ठिकाना ही नहीं होता है। तो चलो करते हैं अपना काम और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियोस में। ये दिखा देती हूँ, अभी मैं इनकी इसको चेंज नहीं करूँगी। 2-3 पौधे दिए हैं आंटी ने, पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो नाम भी नहीं पता। ये तो सदाबहार है शायद, पर्पल कलर का। मैंने पिंक देखा है, वाइट देखा है, पर्पल जो है फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ मैं। तो अभी इसको चेंज नहीं करूँगी, बाद में चेंज करूँगी। बाहर धूप देख रहे हैं कितनी भयानक हो रही है। तो अभी थोड़ी देर में ना मैं मशीन में कपड़े भी लगाने वाली हूँ। तो आई होप सो कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी के लिए बाय बाय, लव यू।